बहुत बार ऐसा होता है कि अपना जो ईमेल आईडी होता है उसमें बहुत सारा अननोन नेसेसरी ईमेल आता है। ये क्या है? आपके साथ स्कैम हो सकता है, लेकिन दोस्तों इन सभी चक्कर में एकदम नहीं पड़ना है आपको। हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज बाय AKP। दोस्तों आज आपको बताऊंगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि अपना जो ईमेल आईडी होता है उसमें बहुत सारा अननोन नेसेसरी ईमेल आता है। फेक आईडी से आपको ईमेल भेजता है और कभी कभी बोलता है इसमें आ जाओ, इसमें क्लिक कर दो, ये नंबर दे दो, इससे आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, यही बहुत सारा बात बोलता है। लेकिन दोस्तों इन सभी चक्कर में एकदम नहीं पड़ना है आपको। और दोस्तों कभी कभी तो अपना ईमेल हैक भी कर लेता है कोई ऐसे ही प्रोसेस करवा के। तो दोस्तों ऐसे हैकर या स्कैम से बचना कैसे है आज आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपके मोबाइल में ईमेल का जो एप्लीकेशन है उस पर आ जाना है आपको। जिस आईडी से आपको मैसेज किया जाता है उन सभी को आप सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के लिए उसके ऊपर प्रेस करके रखना है दोस्तों, हर एक के ऊपर जाके प्रेस करके रखना होगा, नहीं तो यहाँ से सिलेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ से जितना आईडी ऐसा होता है आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर देखें यहाँ पे दोस्तों 3 डॉट है, आपको 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद सबसे नीचे वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे दोस्तों रिपोर्ट स्कैम लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने से एबल ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप पहला वाला जो ऑप्शन है इसमें भी कर सकते हो, और नहीं तो सेकेंड में जो ऑप्शन है इसको भी कर सकते हो। तो यहाँ से दोस्तों एक ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर देना। इतना सारा अननोन आईडी से आपके पास मैसेज आ रहा होगा ईमेल पे, आईडी से एक भी मैसेज आपके मेल पे नहीं आएगा। दोस्तों ट्रिक तो बहुत ही छोटा सा था लेकिन बहुत ही फायदेमंद था, तो जरूर दोस्तों आप अपने मोबाइल में भी ये अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना है, और लास्ट में एक क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, उसका आंसर आपको कमेंट पे देना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।